दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेम पोर्टल के बारे में, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट, ठीक है, ये एक प्रकार की वेबसाइट है जिसमें दो लोग आपस में मिलते हैं, एक तो गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ है एमएसएमई हो सकते हैं या फिर कोई छोटे मोटे व्यापारी लोग हो सकते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट। तो सरकार इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को बोलती है कि आप अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करिए यदि आप कोई भी अपनी चीज़ को बेचना चाहते हैं, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे उन चीज़ों को खरीदी करेगी। एमएसएमई सेक्टर के बारे में कुछ डेटा ये बताया जाता है कि एमएसएमई के 70% उत्पाद इस वेबसाइट के माध्यम से बेचे जाते हैं, ठीक है। तो जो जेम पोर्टल है इसकी शुरुआत की गई थी 17 मई 2017 को, ताकि दो लोगों को आपस में एक साथ लाया जा सके, एक तो गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ है व्यापारी लोग। तो ये तो था जेम पोर्टल का कुछ बेसिक नॉलेज। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि सरकार आखिर इसको खरीदेगी कैसे करके, ठीक है। मान के चलिए मैंने अपने प्रोडक्ट को इस वेबसाइट में लिस्टेड कर दिया, अब सरकार पता चला कि उसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहती, इसके लिए सरकार बोली लगवाती है। दूसरी बात, आपका जो प्रोडक्ट है ना वो सर्टिफाइड होना चाहिए, बोली लगाई जाएगी। बोली लगाने के बाद फिर यदि आप उस बोली में सफल हो जाते हैं तो सरकार आपके प्रोडक्ट को खरीद लेगी। इस प्रकार से इसमें खरीदी और बिक्री का काम होता है। इसके अलावा जेम पोर्टल पर से हम कुछ डेटा प्राप्त होता है जिससे इसकी महत्ता हमको पता चल जाती है। जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है, देखिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, कुछ ऐसी कंपनियाँ, इनके द्वारा जो खरीद है ना वो कई गुना बढ़ गई है। लगभग 43,000 करोड़ रुपए की खरीद इनके द्वारा की गई। केंद्र और राज्य सरकारें भी पोर्टल से भारी मात्रा में ऑर्डर दे रही हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर में करीब 30,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर राज्य से आया। सरकारी विभागों में डिफेंस सेक्टर से सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं इस वेबसाइट में, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें कि जेम पोर्टल में सबसे ज़्यादा खरीदारी किस स्टेट ने किया है तो वो है उत्तर प्रदेश, इसके बाद दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है। तो इसमें जो 2017 वाला वर्जन दिया गया था ना, कि 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, वो लेटेस्ट वाला था, लेकिन इसकी जो शुरुआत है रियल में वो करी जाती है 2016 में। 9 अगस्त 2016 को गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल के रूप में इसकी लॉन्चिंग की गई थी।